बुखार तो नहीं है, बस कब अभी। आए? थैंक यू, वरना आज एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती। कोई बात नहीं, बस यही है कि परेशानी है थोड़ी सी। अम्मी जान अगर नेक्स्ट टाइम आपको किसी और डॉक्टर के पास ले गए और उनको हकीकत पता चल गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी ये समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। चलें कहीं है? हाँ चलें खाना खाने। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप जाएं। मैं तो चाह रहा था फैमिली आउटिंग हो जाती, अकेले मज़ा नहीं आता, और अम्मी भी आपके साथ चलने से खुश हो जाएंगी। ठीक है, चलें। ऐसे ही चलेंगी, जरा फैमिली आउटिंग है, तैयार तैयार हो जाए। अभी भी करना पड़ेगा तो फिर ये भी बता दे पहनना क्या। आप कुछ भी पहनेंगे ना आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप जाएं, मैं चेंज कर लेती हूँ। मैंने कहाँ जाना है, मैं तो घर पे ही हूँ। वो दोनों बाहर गए हैं खाना खाने। आप भी साथ चली जाती, आपकी भी आउटिंग हो जाती। उन्होंने तो मुझे बहुत कहा साथ चलने के लिए, मगर मैं क्या उन दोनों के बीच में अच्छी लगती जाती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। अच्छा आपी, जरतशा का बिहेवियर आप लोगों के साथ कुछ अच्छा हुआ? वैसे तो सब ठीक है, तैमूर बहुत खुश है, बस अल्लाह करे जरतशा की गोद हरी हो जाए, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या अभी तक? आज गई थी डॉक्टर के पास लेकर उसको, मगर अभी तक कुछ नहीं। तो पूछती ना डॉक्टर से कि क्या वजह है। हाँ मुझे तो बहुत फिक्र हो गई है, तुम आओ ना कल, फिर इस पे कुछ सोचते हैं। जी, मैं कल आपको अपनी फ्लाइट का टाइम बता दूंगी। ठीक है, खैरियत से आओ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ? रेस्टोरेंट जाके तो बातें करेंगे, गाड़ी में भी बात कर सकते हैं। आई नो, आई एम सॉरी, मैं अभी तक एडजस्ट नहीं कर पा रही। सच बोलूँ तो मैं जानता हूँ, और मैं बहुत खुशी से आपकी वापसी का मंतज़र हूँ। थैंक यू। बस इंतज़ार की घड़ियाँ देखिएगा छोटी। आप फिक्र ना करें, मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। सच? ये सब क्या है? आपने तो कहा था कि हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा था अभी जाना कंफर्म नहीं है। तो क्या अब हम नहीं जा रहे? हाँ, मैंने अभी जाना पोस्टपोन कर दिया। लेकिन मैंने तो आप ही को कह दिया कि हम लोग आ रहे हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? और बाबा जान और अम्मी जान का भी यही ख्याल था कि हमें जाना चाहिए वहां। सुना, हर इंसान की बर्दाश्त का अपना लेवल होता है। मैं भी जरतशाह से नहीं मिलना चाहता, इसलिए मैंने अपना बिजनेस टूर कैंसिल कर दिया है। लेकिन आइंदा प्लीज मुझे जरतशाह से मिलने के लिए फोर्स ना करना। लेकिन इसमें आप ही और तैमूर की क्या गलती है? वो खामखा आपकी नाराजगी का निशाना बन गए। देखो तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल ना कर।
सरदशा कहीं जा रही हो तुम? जी मेरी दोस्त आई हुई है, उससे मिलने जा रही हूँ। अच्छा, अकेले जाओगी? जी लेकिन जल्दी आ जाऊंगी। अगर आप कहें तो मैं गाड़ी ले जाऊं? हाँ हाँ, इसमें इतना घबराने और पूछने की क्या बात है सरदशा, तुम इस घर की बहू हो, हर चीज तुम्हारी है। बल्कि मैं तैमूर से कहती हूँ तुम्हें बड़ी गाड़ी भेज दे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं यही गाड़ी ले जाऊंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, आओ। फरीद साहब, आप सिलेक्शन कमेटी से विड्रॉ होना चाहते हैं, लेकिन क्यों? सर आप तो जानते हैं पहले ही बहुत से लोग मुझसे खुश नहीं है। अगर इस सिचुएशन में मैंने किसी को फाइनल किया तो सब यही समझेंगे कि मैं अपने लोगों को लाना चाह रहा हूँ। ये अथॉरिटी मैं आपको दे रहा हूँ, फिर किसी को क्यों एतराज़ है? लेकिन सर प्लीज़, इस हवाले से आप मुझे फोर्स ना ही करें तो बेहतर है। थोड़े से अरसे में आपने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है। फरीद साहब मैं तो हूँ ही ऐसा, बाहर का बिजनेस हो या घर के रिश्ते, फौरन एतमाद कर लेते हैं। सर एतमाद करना अच्छी बात है, मगर एतमाद ना करना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन सर लोग इस बात को नहीं समझते। बेशक किसी के अंदर उतरना बहुत मुश्किल है, मैं तो बस इतना करता हूँ कि जहाँ दिल कहे वहाँ एतमाद कर लेता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक मामला सही चल रहे हैं। एनीवे मुझे अभी घर जाने, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। सर हेलो। हाँ सोबिया। नहीं नहीं मैं बस निकल गई हूँ। अच्छा मैं जल्दी आ रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ। ओके बाय। हाँ सरदशा बोलो। हाँ 66 और सेकंड फ्लोर, ठीक है। सुहेल का इस शहर में होना कोई अच्छी खबर तो नहीं? और फिर तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया जो उसे चैलेंज किया। क्यों ना करती चैलेंज? एक बंदा मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा करके चला गया और मैं उसे हिसाब भी ना मांगू। सरदशा अल्लाह ने तुम्हें तैमूर की सूरत में बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत ऑल्टरनेट दिया, तुम्हें तो चाहिए कि सुहेल का साया भी ना पड़ने दो अपने रिश्ते के ऊपर। तुम कौन सी जंग करने निकली हो? क्या मिलेगा तुम्हें उसे हरा के? सुकून। मैं उसे जमीन पे एड़ियां रगड़ते हुए देखना चाहती हूँ। मैं उसका वो हाल करना चाहती हूँ कि कभी कोई किसी से बेवफाई करने का सोचे भी ना। मत भूलो सरदशा कि सुहेल के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास खोने के लिए सब कुछ है। एक मामूली सा शक रिश्तों में दरार डाल ही देता है, जबकि रिश्ता चाहे जितना ही मजबूत क्यों ना हो।